brought to you by Candid. Redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid dusting powder के साथ. Doctors का सुझाया number one पे. भारत और कनाडा विवाद से जुड़े दो बड़े अपडेट्स आए हैं. पहला, भारत सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा का प्रोसेस रोक दिया है. इट्स अ बिग न्यूज. दूसरी, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर मचे बवाल के बीच कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या से जुड़ी खबर है. पूरा मामला विस्तार से बताएंगे. कनाडा के बाद चलेंगे आर्मेनिया, जहां जनता और विपक्षी नेता रूस से नाराज हो गए हैं और दबी जबान में कह रहे हैं, पुतिन ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है. पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल 19 सितंबर 2023 को अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख प्रांत पर हमला किया, 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया और अब उसे अपना अभिन्न हिस्सा घोषित करने की तैयारी में है. एक रोचक बात बताएं, नगोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर बसा है. अब आप पूछेंगे, फिर अजरबैजान ने हमला क्यों किया और किया भी तो आर्मेनिया को क्या मतलब, और आर्मेनिया की जनता पुतिन को क्यों कोस रही? अंग्रेजी में बोलें तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड. आज के शो में इस गुत्थी को भी आसान ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जिसमें सबसे पहले बात कनाडा विवाद की. अब सबसे पहले एक शब्द की गफलत समझ लेते हैं, जिसके बारे में हम और हमारे इस शो के प्रोड्यूसर अभिषेक कुमार जी चर्चा कर रहे थे. कनाडा को कनाडा बुलाएं जैसे अंग्रेजी वाले कहते हैं, या कनाडा बुलाएं जैसे हिंदी में लिखते हैं. अब हिंदी में कनाडा बुलाएंगे तो फिर वाक्य होगा कनाडाई नागरिकों का, और अंग्रेजी के कनाडा के हिसाब से चलेंगे तो कैनेडियंस होगा. अब कैनेडियंस को अगर हिंदी में लेके आएंगे तो कनाडाई हो जाएगा. यानी गफलत बहुत है. आप बताइए, आपका क्या मत है? ये जो अंग्रेजी के नाम हैं, इनके हिंदुस्तानी संस्करण प्रस्तुत करने चाहिए, जैसे इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है और कायरो को काहिरा, या फिर दुनिया भर के चलन के हिसाब से अपनी जबान को कुछ और शास्त्र सम्मत कर लेना चाहिए, कुछ और दुरुस्त कर लेना चाहिए. बहरहाल खबर शुरू करते हैं. 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के रहने वाले नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. और क्या बोले, सुनिए. कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परारीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है. बागची ने यह भी बताया कि ये रोक अस्थाई है, टेम्परेरी है, इसकी समीक्षा की जाएगी. अभी जिनके पास वीज़ा है उनके भारत आने पर कोई रोक नहीं होगी. वीज़ा पर रोक से पहले भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की थी, सतर्कता बरतने की सलाह दी थी, भारत के उच्चायोग के साथ संपर्क में रहने के लिए भी कहा था. आशंका है कि कनाडा की सरकार भी बदले की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आई है. ये पूरा विवाद 18 सितंबर को शुरू हुआ, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाए. 18 जून को अज्ञात लोगों ने निज्जर की हत्या कर दी थी. ट्रूडो ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों को भारत की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं. उन्होंने संसद में ऐलान से पहले अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस को ब्रीफ भी किया था, पर सबूतों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सबूत मांगे हैं मगर कुछ मिला नहीं है. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been very, very, very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a direct, indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon.
21 सितंबर की सुबह एक और बड़ी खबर आई। कनाडा के विनिपेग में गैंगस्टर और घोषित आतंकवादी सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा दुनेके की हत्या हो गई। दुनेके को बम्बिया गैंग का करीबी माना जाता था। वो हत्या की साजिश और उगाही के मामलों में वांटेड था। उसकी हत्या की जिम्मेदारी दो गैंग्स ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने भी दुनेके की हत्या का दावा किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनेके 2017 में कनाडा भाग गया। वहां से उगाही का धंधा चलाता था। पासपोर्ट भी फर्जी तरीके से हासिल किया। वेरिफिकेशन करने आए पुलिस वालों ने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री छिपा ली। इस मामले में दो पुलिस वालों पर भी FIR हुई थी। उधर दुनेके कनाडा में छिपकर भारत में अपराध करता रहा। हाल ही विवाद के बाद उसका नाम फिर से चर्चा में आया। 19 सितंबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 40 अपराधियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें दुनेके का नाम भी था। अब उसकी कनाडा में मौत की खबर आई है। इस घटना ने एक बार फिर कनाडा की साख को खतरे में डाला। उसके ऊपर आतंकवादियों को शरण देने के आरोप हैं। सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के अपराधी किस्म के लोगों को कनाडा का वीजा आसानी से कैसे मिल जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी टिप्पणी की। Fugitives from justice who have run away, who are seeking safe havens in Canada and elsewhere, to come back to India and face justice and justice, whether it's economic fugitives or as terrorists, I think that's the way rule of law works. I don't even know what else to tell you how to handle. Easier would be if the host governments, where they're seeking safe havens, take action against such terrorists. अब भारत कनाडा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर मची हलचल के बारे में भी जान लेते हैं। एक्स पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेशी मीडिया के दोहरेपन पर टिप्पणी की। मुझे वेस्टर्न मीडिया के दोहरेपन पर कभी ताज्जुब नहीं होता। वे दूसरे देशों को जज करने में आगे रहते हैं, लेकिन अपने मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। BBC ने इस एनालिसिस में लिखा है कि पश्चिमी देशों ने रूस या ईरान या सऊदी अरब द्वारा दूसरे देशों में घुसकर की गई हत्याओं की निंदा की। वे नहीं चाहेंगे कि उस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो। हेलो, पिछले 25 वर्षों में दूसरे की जमीन पर सबसे ज्यादा हत्याएं इसराइल और अमरीका ने की हैं। क्या वेस्ट में आईने की कमी हो चुकी है? ये शशि थरूर की टिप्पणी है। दिलचस्प और दुरुस्त टिप्पणी है। कनाडा विवाद और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखें। अब हम इस चैप्टर को दुनियादारी में यहां पर रोकते हैं और चलते हैं नगोर्नो कराबाख। ईरान की उत्तरी सीमा से अगर आप बाहर निकलें तो कॉक्सेस का इलाका शुरू हो जाता है। कॉक्सेस के नामकरण को लेकर कई कहानियां चलती हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित है कि ये नाम इलाके में मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर मिला। नक्शे पर देखेंगे तो कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच का इलाका कॉक्सेज है। इसमें जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के अलावा रूस का कुछ हिस्सा भी आता है। आज फोकस आर्मेनिया और अजरबैजान पर रहेगा। बेसिक बातें जानते हैं। पहले आर्मेनिया, हर तरफ जमीन से घिरा है। इसकी सीमा अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान से मिलती है। राजधानी येरेवन है और यही सबसे बड़ा शहर। आबादी लगभग 28 लाख। अतीत में आर्मेनिया पर पर्शिया, अरब, बेजेंटाइन, मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य ने राज किया। सबसे आखिरी ऑटोमन साम्राज्य था। इसकी सरकार इस्तांबुल से चलती थी। उन्होंने आर्मेनियाई मूल के लाखों लोगों की हत्या भी की। सबसे भीषण नरसंहार 1915 में हुआ था। तब गद्दारी का इल्जाम लगा के 15 लाख लोगों को मारा गया था। उसके बाद साल आया 1918 का, जब ऑटोमन साम्राज्य हार गया। ये पहले विश्व युद्ध के खात्मे का दौर था और तभी आर्मेनिया ने आज़ादी की घोषणा कर दी। बदलाव और भी जगह हो रहे थे। मसलन रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। व्लादिमिर लेनिन की रेड आर्मी ने हमला कर दिया था सत्ता प्रतिष्ठानों पर। लेनिन बोल्शेविक क्रांति के अगुआ थे। 1922 में आर्मेनिया सोवियत संघ का लेनिन की अगुवाई में जो बना था संघ, उसका हिस्सा बन चुका था। फिर 1991 पे आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं सीधे 70 साल। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद आर्मेनिया भी आज़ाद हो जाता है। ये आर्मेनिया का इतिहास है। अब दूसरे वॉरिंग फैक्शन के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अजरबैजान। पहले में नुक्ता है, दूसरे में नहीं है। अजरबैजान, इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। जमीनी सीमा आर्मेनिया, रूस, जॉर्जिया, ईरान और तुर्की से लगती है। आबादी 1 करोड़ के लगभग है और 96% लोग इस्लाम का पालन करते हैं। वहां पर ईसाई धर्म का पालन करने वाले, यहां इस्लाम का पालन करने वाले। इतिहास क्या कहता है? अजरबैजान पर कब्जे को लेकर पर्शिया, रूस और ऑटोमन्स के बीच लंबा संघर्ष चला है। 1828 में पर्शिया और रूस ने इलाके को आपस में बांट लिया। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। फिर अजरबैजान ने भी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन वहाँ भी लेनिन की रेड आर्मी पहुँची और अजरबैजान भी 1922 में आर्मेनिया की तरह सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। 1991 में संघ टूटा, अजरबैजान भी आज़ाद हो गया। अगर आप आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी के बारे में और व्यापक जानना चाहते हैं तो इस विद्वान को सुनिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ और जब उस समय अजरबैजान में सिविल वॉर जैसी स्थिति थी, कोई एक
स्थायी सरकार नहीं थी, मारकाट मचा हुआ था और वॉरलॉर्ड्स कई जगहों पर रूल कर रहे थे। आर्मेनिया उस समय व्यवस्थित था, डेमोक्रेटिक बना, तो उस और उसके पास आर्मी या ये कह ले कि शस्त्रार्थ बहुत थे। जो सोवियत सोल्जर्स शस्त्रार्थ लेके लौट रहे थे वो उन्होंने आर्मीनियाई सोल्जर्स को दे दिया था, तो वो बहुत पावरफुल बन गए और इंटरनेशनली रिकग्नाइज अजरबैजानी टेरिटरी के बहुत सारे भाग को जो नगोर्नो काराबाग से लगते हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इसकी उत्पत्ति वहां से शुरू होती है। ये एक ही रीजन थे और हिस्ट्री में कभी भी आर्मेनिया अजरबैजान और जॉर्जिया नाम की कोई कोई इकाई नहीं थी, राज्य की इकाई नहीं थी। और अजेरी शब्द खुद 1870-1880 के इसमें आया है। अब आज की कथा के केंद्र में जो जगह है उसके बारे में जानते हैं, नगोर्नो काराबाख, इसकी कहानी जिसे लेकर दोनों देशों में झगड़ा है। नगोर्नो काराबाख का मतलब होता है पहाड़ियों से घिरा अंधेरा बगीचा। ये इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर है। आबादी 1.5 लाख पर 90% लोग आर्मेनियाई मूल के हैं जो अजरबैजान का शासन नहीं मानते। 1980 के दशक में नगोर्नो काराबाख की संसद बोली, हम आर्मेनिया के साथ जाएंगे। अजरबैजान को ये मंजूर नहीं था, उसने सेना भेजी। दूसरी तरफ से आर्मेनिया आया, भयंकर झगड़ा, 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आर्मेनिया बढ़त में था, उसने नगोर्नो काराबाख और आसपास के इलाकों पर कंट्रोल कर लिया। फिर 1994 में रूस ने संघर्ष विराम कराया। डील के तहत नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा बना रहा, लेकिन वहां पर आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी और उन्होंने अपनी सेना भी तैनात की। अजरबैजान के पास नाम भर का नियंत्रण था। वो अजरबैजान के साथ मिलना नहीं चाहते, धार्मिक कारण है, और चूंकि आर्मेनिया मूल के हैं और लड़ाई हुई है। और यहाँ पर नगोर्नो काराबाख में एक सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट रूल करती है, आर्मेनियाई सरकार रूल करती है। और करीब पूरे नगोर्नो काराबाग में 1.5 लाख के करीब आर्मेनियाई ईसाई रहते हैं। और चूंकि उस समय की लड़ाई है और उस समय आर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी जब अजरबैजान पावरफुल हो गया, उसका जैसे मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है, उसका मिलिट्री बजट करीब $6 बिलियन है, जो एक अजरबैजान जैसे छोटे देश के लिए बहुत ज्यादा है। तेल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है, गैस का व्यापार बहुत तेजी, तो अजरबैजान समृद्ध हो गया। आर्मेनिया चूंकि लैंडलॉक्ड है, उसमें ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई बड़े सर्विस सेक्टर है, तो वो पूरी तरह से दूसरे देशों पर आश्रित है। फिर 2020 का साल, नगोर्नो काराबाग को लेकर फिर से लड़ाई। इस बार अजरबैजान का हाथ ऊपर रहा, उसने आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाकों को जीत लिया। हिंसा बढ़ी तो रूस आया, संघर्ष विराम कराया और नई डील के तहत आर्मेनिया के सभी सैनिकों को नगोर्नो काराबाग से निकलना पड़ा। नगोर्नो काराबाग के अधिकांश लोग अब तक खाने पीने से लेकर धार्मिक आस्था तक के लिए आर्मेनिया पर निर्भर थे। सप्लाई लाइन के लिए लचिन कॉरिडोर बनाया गया फिर उनके लिए। इस कॉरिडोर की जिम्मेदारी रूस की पीस कीपिंग फोर्स को मिली। रूसी सैनिक नगोर्नो काराबाग में लगाए गए, काम आगे किसी भी तरह की हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करना। नवंबर 2022 तक ये व्यवस्था चली, लेकिन दिसंबर में मामला बिगड़ गया। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनियाई लचिन कॉरिडोर के जरिए हथियार और सेना भेज रहे हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। उन्होंने कॉरिडोर बंद कर दिया। रूस ने तब इसका विरोध नहीं किया। फिर इस बरस 19 सितंबर को अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख में सेना भेजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 32 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए और आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार ने 24 घंटों में घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। 21 सितंबर की सुबह नगोर्नो काराबाख की स्थानीय सरकार और अजरबैजान के बीच बातचीत शुरू हुई। अजरबैजान का कहना है काराबाख की सेना को भंग किया जाएगा और उनका विशेष अधिकार वापस लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे आर्मेनियाई मूल के लोगों पर खतरा आ सकता है। इस इलाके में नस्लीय दंगों का पहले भी इतिहास रहा है। अगर नगोर्नो काराबाग पर मुस्लिम बहुल सरकार का कंट्रोल हुआ तो वे बदला लेने से नहीं हिचकेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने कहा है कि आम नागरिकों को कुछ नहीं होगा, पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पर जनता है कि भरोसा के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एयरपोर्ट और पीस कीपिंग फोर्स के कैंप्स में शरण भी ली है। आर्मेनिया क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान का बयान आया कि हालिया संघर्ष विराम से हमारा कोई लेना देना नहीं, नगोर्नो काराबाग के लोगों की सुरक्षा रूस की जिम्मेदारी है। इन सबके बीच आर्मेनिया में जबरदस्त प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पाशिनियान 2018 में आंदोलन के बाद कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन नगोर्नो काराबाग को लेकर वो सख्ती नहीं बरत सके। उनके कार्यकाल में आर्मेनिया को बढ़त गंवानी पड़ी और अब ये पूरा इलाका हाथ से निकला लगता है। इस विवाद में रूस की भूमिका पर बात करते हैं। वो नगोर्नो काराबाग पर आर्मेनिया के दावे को समर्थन देता है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस है। आर्मेनिया सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का भी मेंबर है। रूस और आर्मेनिया के अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके मेंबर हैं।
इसको रूस की पहल पर 1992 में बनाया गया था नेटो की तर्ज पर। CSTO में व्यवस्थाएं अगर एक देश पर हमला हुआ तो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा, ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का समर्थन किया है, हालांकि पिछले कुछ बरस में उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है। 2020 के युद्ध में रूस ने आर्मेनिया का पक्ष नहीं लिया, वो न्यूट्रल बना रहा। जिन हथियारों को लेकर डील हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। लचिन कॉरिडोर संकट में भी रूस चुपचाप सब देखता रहा। इसके बरक्स पुतिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव की दोस्ती बढ़ गई। इससे आर्मेनिया को झटका लगा, उसने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। हालिया दिनों में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी किया। सितंबर 2023 यानी इसी महीने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इटली के अखबार ला रिपब्लिका से बात की और बोले, आर्मेनिया की सिक्योरिटी पूरी तरह रूस पर निर्भर थी, लेकिन आज रूस को खुद हथियार की ज़रूरत है, वो चाहें तो भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। हालिया विवाद में भी रूस ने इंटरनेशनल मैटर बोलकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन बदला ले रहे हैं। आर्मेनिया को पश्चिमी देशों के करीब जाने की सजा मिल रही है। आर्मेनिया में कई लोग इसे धोखे की तरह देख रहे हैं। रूस ने अपना रुख बहुत स्पष्ट किया कि देखिए अजरबैजान का टेरिटरी है नगोर्नो-काराबाख, आपने उसको कैप्चर किया है। अगर आपकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है, अगर आप उसमें घुसते हैं तब हम आपको डिफेंड करेंगे। और वो उनके CSTO के पार्टनर भी है, जो एक नेटो लाइक जैसी संस्था है, CSTO उसके भी पार्ट है। तो उनका कहता है कि आप इनकी टेरिटरी छोड़िए, अगर आपकी टेरिटरी पर कोई अटैक करता है आर्मेनियाई भूमि पर, तो हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पार्ट है बेलारूस भी है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और रूस उसका सबसे बड़ा सदस्य है। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप टेरिटरी छोड़ेंगे तभी इस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए हम आपका साथ नहीं देंगे। तो वहां पर रूस पहले बहुत एक्टिव था, अभी भी एक्टिव है, लेकिन उसका वही डिफेंस है। और खासकर यूक्रेनियन वॉर के समय वो उस लाचिन कॉरिडोर को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी तुर्की से भी दोस्ती बढ़नी है, तुर्की अजरबैजान एकदम भाई जैसे हैं, अपने आप को मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है उनकी इस समय की कूटनीतिक राजनीति का। रूस के बहुत अच्छे संबंध अजरबैजान से भी हैं और रूस अजरबैजान को हथियार बेचता रहा है। तो आर्मेनिया उस वॉर को हार गया। आपको ध्यान होगा कि उसमें ड्रोन वॉरफेयर एक तरह से बहुत दोबारा से डिस्कोर्स में आया था और लोगों ने उस पर बातचीत करनी शुरू करी थी। तो बेसिकली टर्किश ड्रोन्स की वजह से, टर्की जो था वो अजरबैजान के सपोर्ट में था, इधर रूस अजरबैजान को तो दे ही रहा था वेपन्स। और आर्मेनिया की शिकायत ये थी कि हालांकि CSTO एलाय हम हैं, तो धर्म ये बनता था रूस का कि वो हमारा सपोर्ट करे, लेकिन रूस ने हमारा इतना एक्टिव सपोर्ट नहीं किया और इन सारी चीजों की वजह से अजरबैजान वो वॉर जीत गया जो कि 44 दिन चली थी, और नागोर्नो काराबाख का रीजन जो है वो अजरबैजानी टेरिटरी में वापस चला गया। आपने समस्या के बारे में सुन लिया, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, एक्सपर्ट से सुनते हैं। बात यहाँ पे कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाती है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स लंबी चलती हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ये पॉलिटिसाइज और इंटरनेशनलाइज हो जाती हैं। जैसे कि आपने अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में बताया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर केवल इन दो रीजन्स देशों के बीच में नहीं है, एथनिसिटीज के बीच में नहीं है, रिलीजन के बीच में नहीं है, क्योंकि अजरबैजानीज आर बेसिकली क्रिश्चियंस आर मुस्लिम्स एंड आर्मेनिया इज लार्जली क्रिश्चियन। तो केवल ये रीजन नहीं है, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अजरबैजान के पीछे टर्की और पाकिस्तान का एक इमर्जेंट नेक्सस आपको दिखता है, और आर्मेनिया अपने आप को आइसोलेटेड पाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि CSTO एलाय होने के बावजूद रूस से वो समर्थन आर्मेनिया को नहीं मिलता है। रूस का जो ट्रेडिशनल वो है कि एक सिक्योरिटी गारंटर की तरह के टेंशन है, लेकिन वो टेंशन जो है वो हमेशा सरफेस के नीचे रहे, और रूस जो है वहां पे एक तरह से मैं कहूंगी कि एक पुलिसमैन का रोल जो है वो निभाता रहे, पर रूस यूक्रेन की वजह से वहां से उसका ध्यान हट गया है। तो आर्मेनिया ऐसी स्थिति में अपने आप को आइसोलेटेड पाता है, और उसके बाद जो आर्मेनिया के जो लीडर है वो बार बार इसको कहते हैं कि US को कहते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, EU को कहते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंटरनेशनलाइज हो जाने की वजह से भी एक ये कारण है कि ये वॉर का एक लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं पूरे यूरोप का एक कलेक्टिव फेलियर भी है इसका। अब आखिरी सवाल, नागोर्नो काराबाख विवाद में भारत का क्या स्टैंड है, भारत के क्या हित जुड़े हैं, ये भी जानिए। ये देखिए, इंडिया जो है, इंडिया का सीधा सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट बहुत समय तक वहां पे नहीं था। इनफैक्ट 2020 में जब ये 44 दिनों की वॉर हुई थी, जिसको जो फेमस अपने ड्रोन वॉरफेयर के लिए, जहां पे टर्किश ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान जो था वो विजयी हुआ, वहां पे उस वक्त पहली बार हमने आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करे थे। उसमें मेनली हमने कुछ स्वाति रेडार सिस्टम हमने उनको दिया था, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव था जो टर्किश ड्रोन्स के अगेंस्ट, तो आर्मेनिया ने हमसे परचेज किया था। सिमिलरली उसके बाद हमने
आर्मेनिया से हमारे कुछ डिफेंस डील्स हुए हैं जिसमें हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और इस तरह के कुछ वेपन्स हमने आर्मेनिया को हमने उनसे उनको बेचे हैं। तो इस चीज का आर्मेनिया ने स्वागत किया है कि इस क्योंकि अजरबैजान के अगेंस्ट जो मैंने आपसे समझाया कि वहां पे भाई टर्की पीछे खड़ा है और टर्की के पीछे पीछे वो इस्लामिक कार्ड खेलते हुए पाकिस्तान भी वहां पे चला गया है, तो हिंदुस्तान का एक डेफिनेटली भारत का एक इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, अब एक स्टेक है। लेकिन ऑफिशियली भारत ने हमेशा इसी स्टैंड को बोला है कि वायलेंस जो है वो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, ये हिंदुस्तान ने हमेशा से इस बात को इसी पोस्चर को हमेशा रखा है और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को हमेशा सर्वोपरि कहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से ही कुछ होगा। देश दुनिया की और भी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।